इस वीडियो सेशन में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी फंक्शंस यूज़ किए हैं, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ या स्क्वेयर रूट हो सकता है। अगर आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में बात करोगे तो यह है फंक्शंस जो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड किया था और हमने सिर्फ इन फंक्शंस को यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद अपना फंक्शंस बनाएंगे और फंक्शंस कैसे यूज़ करना, उनका सही तरीका क्या है लिखना, वो हम आपको बताएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट, प्रिंट एफ या स्कैन एफ जैसा खुद हमारा फंक्शन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये है, फंक्शन क्या है। फंक्शन आप ऐसे सोच सकते हो, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका खुद का डिक्लेरेशन होगा, खुद के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगे और फंक्शंस आम तरीके से एक ही काम करता है। तो फंक्शन के पास डिक्लेरेशन होगा, कोड होगा। अगर आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम आया है, आप कभी भी एक ही फंक्शन मेन में नहीं लिखोगे, उस प्रॉब्लम को तोड़ के छोटे छोटे फंक्शन बना के आप प्रोग्राम लिखने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब आप बड़ा प्रॉब्लम को छोटा प्रॉब्लम में तोड़ देते हो, उसका फ़ायदा ये है कि उसे समझना आसान हो जाता है, उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है, उसे मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। और अगर मुझे उस फंक्शन या उस कोड को कहीं यूज़ करना है, बड़ी आसानी से मैं उसे कॉपी करके दूसरी जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाओगे, आप को कभी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें सब में एक ही फंक्शन में पूरा प्रोजेक्ट हो। उसमें हज़ारों फंक्शन होंगे जिसमें हर एक फंक्शन छोटा सा कुछ काम करेगा। यानी फंक्शंस एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है पूरा प्रोजेक्ट या पूरा प्रोग्राम का। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम दो नंबरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे फंक्शंस के द्वारा। तो सबसे पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट मेन और ए वॉइड। अभी सभी टर्म जैसे इंट, रिटर्न, वॉइड, ये सभी आपको मैं थोड़ी समय में समझाऊंगा। पहला है इंटीजर वेरिएबल ए, इसका इनिशियल वैल्यू है 10। इंटीजर वैल्यू बी, इसका इनिशियल वैल्यू है 20। और तीसरा है इंटीजर वैल्यूएबल आंसर, जिसको हमने कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, आंसर इज असाइंड सम ए कॉमा बी। तो जैसे ही हमने ये कॉल किया सम ए कॉमा बी, ए का वैल्यू कॉपी होगा एक्स में, बी का वैल्यू कॉपी होगा वाई में। तो हम क्या कहते हैं, इस ए और बी को हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और एक्स और वाई जहां ये कॉपी हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और अगर आप देख रहे हो, ए फंक्शन x प्लस वाई को ऐड कर रहा है और इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, यानी ये कैलकुलेशन करके वापस इस मेन को भेज रहा है। जब ये मेन को भेज रहा है, रिजल्ट चला जाएगा आंसर के अंदर। तो जब हम प्रिंट एफ करेंगे सम इज परसेंटेज डी, आंसर प्रिंट होगा 30। अभी आपको थोड़ी चीज समझाना बहुत जरूरी है। ए जो यहां से कोड है इंट सम से ए ब्रैकेट तक, इसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो मैं सम ए कॉमा बी कॉल कर रहा हूँ, इसे फंक्शन कॉल कहते हैं। और ये जो सम है, इस फंक्शन का नाम है। अगर आप देखोगे, इस फंक्शन दो इंटीजर नंबर को ऐड करके वापस भेज रहा है, डेटा टाइप होगा इंटीजर, इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी है इंटीजर, इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर्स। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। अभी हमने जो मेन में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए और बी, इनका मेमोरी एड्रेस और एक्स और वाई का मेमोरी एड्रेस बहुत ही अलग होगा। ए है ए, ये है बी। अगर समझ लीजिए इसका एड्रेस 1000 है, इसका हो सकता है 1004। और मेमोरी लोकेशन एक्स और वाई, ठीक है, इनका हो सकता है 2000 और 2004। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ए में था 10, बी में वैल्यू था 20, हम इन वैल्यू को पैरामीटर द्वारा, ये जो ए बी है इसे पैरामीटर कहते हैं,
ये ए बी और एक्स वाई द्वारा हम ये दोनों फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। तो 10 का वैल्यू एक्स में चला जाएगा, 20 का वैल्यू वाई में चला जाएगा। तभी क्या होगा, यहाँ एक्स प्लस वाई ऐड होगा और रिटर्न जो होगा आंसर को असाइन हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो इस फंक्शन में रिटर्न टाइप है इंट, जो पैरामीटर्स है दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स है, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। और उसी तरह मेन भी एक फंक्शन है जो सी में लिखना कंपलसरी है। तो मेन के लिए भी हम कुछ पैरामीटर्स भेज सकते थे ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर द्वारा, लेकिन हमने मेन को कुछ पैरामीटर्स नहीं भेजा है, इसलिए मेन के ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है void। void मतलब हम कुछ इनपुट मेन को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है void। और रिटर्न आपका डेटा टाइप इंडिकेट करेगा, ठीक है, रिटर्न इंट, क्योंकि यहाँ इंटीजर रिटर्न हो रहा है, इसका सिग्नेचर यानी इंट सम कह रहे हैं। अगर आप मेन देख रहे हो, मेन भी रिटर्न जीरो जो इंटीजर टाइप डेटा है, इसलिए मैंने मेन को भी इंट लिखा है। ये जो वैल्यू जीरो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा। कभी कभी ये वैल्यूज यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी और एक छोटा सा हम कोड देखेंगे जिसमें हम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, नमस्कार, ठीक है। अब देखिए ये है फंक्शन जो एक सिंपल ग्रीटिंग प्रिंट कर रहा है, इसका नाम है से नमस्कार। इसको मैंने void लिखा है क्योंकि ये फंक्शन अगर आप देख रहे हो इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमने void लिखा है। इस फंक्शन को मैं कुछ पैरामीटर नहीं भेज रहा हूँ या नहीं सेंड कर रहा हूँ, इसलिए इसके पैरामीटर्स भी void है। इंट मेन भी void है क्योंकि मेन भी कुछ पैरामीटर्स यूजर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने कॉल किया फंक्शन को से नमस्कार, void लिखा हूँ मतलब यहाँ से कुछ यहाँ नहीं भेज रहा हूँ। तो जैसे नमस्कार को कॉल किया यहाँ पे आ जाएगी और मैसेज प्रिंट होगी आउटपुट पे नमस्कार, और नमस्कार प्रिंट होने के बाद रिटर्न जीरो के पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हो फंक्शन डेफिनेशन है void से शुरू होके ब्रैकेट तक, ये जो है से नमस्कार है ये फंक्शन कॉल है और फंक्शन नेम है से नमस्कार, रिटर्न टाइप है void यानी कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, और पैरामीटर्स जो है यहाँ पे भी पैरामीटर्स हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम पैरामीटर्स कुछ नहीं भेज रहे हैं। तो ये फंक्शन था इंटीजर रिटर्न करने वाला, ये फंक्शन था void यानी कुछ भी नहीं रिटर्न करने वाला था। अब हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फंक्शन का एक टेम्पलेट देख लेंगे, फंक्शन को कैसे टेम्पलेट बनाया जाता है। तो अगर आप फंक्शन का टेम्पलेट देखोगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट, सबसे पहला होगा रिटर्न टाइप, इसमें void है इसमें int है। फंक्शन नेम, इसका नाम है सम, इसका नाम है से नमस्कार। पैरामीटर्स, इसका पैरामीटर्स है x और y इंटीजर टाइप के, इसके पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है। दोनों में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, जैसे मेन में हम डिक्लेयर कर दिया है उसी तरह हम सम या नमस्कार में भी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया है। कोड, इसमें है रिटर्न स्टेटमेंट, इसमें है कोड प्रिंट एफ, ठीक है। ये चीज़ जरूरी है, रिटर्न टाइप कंपलसरी है, अगर रिटर्न नहीं कर रहा है आपको void लिखना पड़ेगा। अगर कोई पैरामीटर्स यहाँ से नहीं भेजे जा रहे और यहाँ भी रिसीव नहीं हो रहे, void लिखना एक अच्छा प्रैक्टिस है क्योंकि तब जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसे तुरंत पता चल जाएगा कि इस फंक्शन कोई पैरामीटर्स रिसीव नहीं कर रहा है।